ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਸਾਥੋਂ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की वीडियो है जैसे कि अगस्त एंड सितंबर मंथ वालों बच्चों के लिए, तो जैसे कि रजे मैं अगर आपको बोलूं कि जो अगस्त एंड सितंबर मंथ में रीडिंग आएगी वो इन वेबसाइट में से आएगी, तो आप ये वाली वेबसाइट में से जाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ के साथ आपको यहाँ 200 प्लस फ्री रीडिंग मिलती है एकेडमिक प्लस जीटी दोनों बच्चों के लिए, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जैसे कि रजे आप सब लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम में रियल एग्ज़ाम में लेवल आता है वो कैम्ब्रिज वाला ही आता है, बट वो जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है भाई, हर बार कहीं से रीडिंग पैसेज ढूंढना, तो वो मोस्टली रीडिंग पैसेजेस इन वेबसाइट में से उठाए जाते हैं। बट जो क्वेश्चन में रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्या होता है कि समटाइम्स वो रीडिंग पैसेज वही सेम रहता है, बट वो क्वेश्चंस भी वही सेम डाल देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो पैसेज तो वो सेम रहता है बट वो क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चंस को मोल्ड कर देते हैं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिन बच्चों को इन वेबसाइट के बारे में पता होता है वो आंसर्स को क्रैम कर लेते हैं, तो वो इसलिए क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट है आईएलटीएस ऑनलाइन test.com, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड है जैसे कि IELTSFever.com, यहाँ से मोस्टली रीडिंग पैसेजेस हर बार की तरह उठाए ही जाते हैं। तो जो अब लेटेस्ट वेबसाइट चल रही है जहाँ से सबसे ज़्यादा रीडिंग पैसेजेस उठाए जा रहे हैं वो है MiniIELTS.com, यहाँ से रीडिंग पैसेजेस उठाए जा रहे हैं। और जैसे कि जब एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है तो कोई भी यूट्यूबर सर्च करता है वो इन वेबसाइट पर ही सर्च करता है, ये 4 to 5 कॉमन वेबसाइट है जहाँ से आपको रीडिंग पैसेजेस आफ्टर एग्ज़ाम मिल जाते हैं। तो जैसे कि कोई भी अगर यूट्यूबर रियल एग्ज़ाम की रीडिंग अपलोड करता है तो वो इन वेबसाइट में से ही उठाकर अपलोड करता है। जैसे कि अब बात करते हैं फोर्थ वेबसाइट है IELTSMaterial.com, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ से रीडिंग पैसेजेस उठाए जाते हैं बट बहुत कम उठाए जाते हैं। और लास्ट वेबसाइट है जैसे कि IELTSTrainingOnline.com, तो जैसे कि ये वाली वेबसाइट में से भी काफ़ी बार रीडिंग पैसेजेस उठाए जाते हैं, और इन वेबसाइट में से आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको 200 प्लस रीडिंग पैसेजेस देखने को मिलते हैं। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगी, जो रियल एग्ज़ाम का कुछ वेबसाइट में जो लेवल है, जैसे कि सपोज मान लीजिए 200 टेस्ट हैं, तो जैसे कि आपने 50 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो 50 टेस्ट के बाद आप आगे जो टेस्ट करेंगे ना उनका जो लेवल होगा वो धीरे धीरे अप होता जाएगा, तो इतना मॉडरेट लेवल नहीं आता एग्ज़ाम में, बट वो जानबूझकर इन वेबसाइट पर थोड़ा सा लेवल अप किया जाता है, जैसे कि आपका टेस्ट का नंबर है जो बढ़ता जाता है इन वेबसाइट पर। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल गाइज़।